हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आया हूँ एप्पल का स्टोर में, और एप्पल का स्टोर में मैं इसलिए आया हूँ, मेरे पास मैकबुक एयर एम चिप 256 GB है। जो जब से मैं मैकबुक एयर लिया हूँ तब से मेरे स्टोरेज में प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, सो इसीलिए आज मैं आया हूँ एप्पल का स्टोर में। जब देख सकते हैं मेरा बैक साइड में, ये एप्पल का स्टोर है। तो आज मैं जाने वाला हूँ, और यहाँ पर आने से पहले मुझे एक अपॉइंटमेंट लेने पड़ा जो ऑनलाइन से थ्रू होता है, जो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस, कि आप लोग कैसे लेके एप्पल के स्टोर में जाके अगर आपका आईफोन का प्रॉब्लम है या मैकबुक एयर का प्रॉब्लम है तो आप आसानी से आप जाके यहाँ पर ठीक करा सकते हैं। पर आने से पहले आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेने पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप यहाँ पर आकर ठीक करा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कुछ भी अगर वारंटी के बाद कुछ अगर आपका सामान चेंज होता है तो आपका पैसा लगेगा। अगर वारंटी के बाद भी अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे सपोज करिए स्टोरेज का प्रॉब्लम है या तो फिर सॉफ्टवेयर कुछ लोडिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम है तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आके ठीक करा सकते हैं। हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है या फिर बैटरी आपका बैकअप बहुत कम है तो सब चेंज कराने के लिए विदाउट वारंटी में आप लोग का चार्ज लगेगा। सो गाइस अभी मैं चलता हूँ आईफोन के स्टोर में, और वहाँ पर जाके देखता हूँ कि मेरा भी क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्व, तो मैं आप लोग को वीडियो में जरूर बताऊँगा गाइस। एप्पल के स्टोर में आना चाहते हैं अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आप लोग अपॉइंटमेंट आप लोग को लेना पड़ेगा। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैं आज आप लोग को इस वीडियो जरिए बताने वाला हूँ किस तरह से आप लोग को अपॉइंटमेंट लेने पड़ता है। ऑनलाइन के थ्रू बहुत आसान है, एक एप्लीकेशन है एप्पल सपोर्ट, उसी में जाके आप लोग करने पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ गाइस। सो इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस। सबसे पहले मुझे एप्पल सपोर्ट में जाना है। एप्पल सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए माई डिवाइस में मेरा दो डिवाइस शो कर रहा है, एक आईफोन शो कर रहा है, एक मैकबुक एयर शो कर रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल में दो डिवाइस को मैंने ऐड करके रखा है तो इसीलिए मेरा दो डिवाइस शो कर रहा है। और मेरा जो है प्रॉब्लम अभी है आई मैक में प्रॉब्लम है, जो मैं आज आई मैक का प्रो को अपॉइंटमेंट दिखाने वाला हूँ कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट ट्रॉपिक में जाना है। सपोर्ट ट्रॉपिक में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टेल अस व्हाट हैपन, तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे लिखना है अनेबल टू पावर ऑन, मुझे ये लिखना है। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट में गए। नेक्स्ट में जाने के बाद अब यहाँ पर शो कर रहा है कि व्यू लोकेशन, और नीचे में देखिए कॉन्टैक्ट में लिखा हुआ है चैट का भी कॉल का भी। तो अगर मैं चैट में जाता हूँ तो मैं अगर कुछ मैसेज करता हूँ तो यहाँ से चैट के ज़रिए भी आपका प्रॉब्लम जो भी है बताने से सॉल्व होने का चांसेस है। और दूसरा ऑप्शन जो है गाइस वो है कॉल का ऑप्शन है। देखिए कॉल में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ कॉल, तो वहाँ पर जाने के बाद जैसे ही आप नाउ कॉल में जाएगा आपका 10 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपका कॉल आ जाता है सर्विस सेंटर से, तो इसके ज़रिए भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और इससे बेटर करना है तो फिर आपको अपॉइंटमेंट निकालना है, जो मैं अभी निकालने वाला हूँ। यहाँ सबसे पहले जाना होगा व्यू लोकेशन में। व्यू लोकेशन में जाने के बाद जो नियर बाय लोकेशन जो दिखा रहा है वहाँ पर मुझे क्लिक करना है। तो मेरे जो सबसे जो नियर बाय लोकेशन है वो मेरा है एप्पल यस मॉल, तो मुझे यस मॉल में मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल आ गया है कि मुझे कौन सा शेड्यूल में जाना है। तो मुझे 28 नवंबर को जाना है, और यहाँ पर टाइमिंग बता रहा है कि इतने टाइम में ये आपको अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मॉर्निंग का है, आफ्टरनून का है और इवनिंग का भी है। तो मुझे जो अपॉइंटमेंट लेना है वो 7:20 का लेना है, तो मैंने 7:20 का जो है मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है गाइस। तो यहाँ पर अभी एक मैसेज होगा कि ट्यूसडे 28 नवंबर को आपका ये 7:20 इवनिंग का अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। फिर बाद में मेल भी आता है, देखिए जो अपकमिंग जीनियस बार अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट मेरा फिक्स हो गया। अब अगर आप एप्पल स्टोर में जाते हैं तो आपका जो भी प्रॉब्लम है आराम से सॉल्व हो सकता है। आप लोगों ने देख लीजिए कितना आसान है ये एप्पल सपोर्ट में जाके इसको अपॉइंटमेंट फिक्स करना। अगर आप लोग मैकबुक चलाते हैं या आईफोन मोबाइल चलाते हैं, अगर किसी भी तरह का आपका प्रॉब्लम होता है तो अभी अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप लोग आ सकते हैं एप्पल के स्टोर में। आते हैं अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको ये डायरेक्टली देखते नहीं है जब तक आपका अपॉइंटमेंट नहीं रहता। जैसे सपोज करिए अगर आप मेरा अपॉइंटमेंट जो था, मैं अपना बता दे रहा हूँ, मेरा जो अपॉइंटमेंट था 7:35 का था अपॉइंटमेंट। तो जब मैं आया तो यहाँ पर मेरा 7:35 हो चुका था, उसके बाद थोड़ा 10 मिनट बैठने पड़ा, उसके बाद फिर टेक्निकल टीम आया वहाँ से मेरा देखा। अगर मेरा अपॉइंटमेंट नहीं रहता तो मेरा नहीं हो पाता। लास्ट टाइम में मेरा साथ ऐसे ही हुआ था, जब मैं आया था तो मेरा ऑलरेडी ये लेट हो चुका था। जैसे मेरा अपॉइंटमेंट था 6 बजे का था, तो मेरा आते आते 6:30 बज गया,
अगर आधा घंटा या एक घंटा भी डिले होता है तो फिर आपका वो नहीं देखेंगे। अगर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट रहेगा तो फिर आपका वो फिक्स करके फिर आपको वो देखेंगे, विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं देख पाएंगे। गाइस मेरा मैकबुक एयर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया स्टोरेज का। बहुत से लोगों का ऐसा स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है, जो एक सॉफ्टवेयर है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो जो उन लोगों के लिए है जो मैकबुक एयर चलाते हैं, उन लोगों की खास वीडियो है कि इनका जो स्टोरेज का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। एक्चुअल में क्या होता है मैकबुक एयर में कि अगर हम लोग कुछ भी डेटा को जो मेरा यूज़ के लायक नहीं है तो हम लोग जो डिलीट करते हैं, हम लोग यहाँ से डिलीट तो कर देते मगर वो बैकअप में चले जाता है। बैकअप में जाने के बाद फिर वो स्टोरेज को वो फुल करते जाता है और वो लास्ट में वो सिस्टम डेटा में वो चले जाता है, जिसका वजह से वो स्टोरेज का प्रॉब्लम आ जाता है। गाइस सो गाइस ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, बाय बाय।